आशा करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जो कि सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है रोज़ वाटर। ठीक है, तो आप जानते हो रोज़ वाटर अच्छा ब्रांड और ऑर्गेनिक और अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करना ही सब समझदारी की बात होती है। तो मार्केट में इतने सारे रोज़ वाटर्स अवेलेबल हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी रॉन्ग प्रोडक्ट ले लेते हैं तो फिर हमारे स्किन में रैशेस आने लगते हैं, स्क्रीन थोड़ा ड्राई हो जाता है, हाइड्रेट नहीं रहता, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। और मैं जब भी कोई भी स्किन रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स मैं चूज़ करती हूँ मार्केट में से, तो मैं ऑलवेज कॉन्शियस रहती हूँ कि है ना बेस्ट प्रोडक्ट हो। और मैं बहुत ही लिमिटेड कम प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो उतना ही जो भी एक्सपीरियंस है मेरा वो सब शेयर करने के लिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको एक राइट प्रोडक्ट मिले अपनी लाइफ में जिसके साथ आप लाइफ टाइम यू रह सको। ऐसा नहीं कि है ना कुछ मंथ्स के लिए ये प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, कुछ मंथ्स के लिए वो प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, तो उससे क्या होता है स्किन हमारी बहुत डैमेज हो जाती है। तो आइए चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। बताने कि रोज़ वाटर है क्या और क्यों हमें अपने स्किन रूटीन में रोज़ वाटर ऐड करना चाहिए। तो हैज़ अ टोनर रोज़ वाटर काम करता है फर्स्ट थिंग, मेकअप रिमूव के लिए भी रोज़ वाटर काम करता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है रोज़ वाटर, और रोज़ वाटर एक अलग सा ग्लो लाता है अपनी स्किन में। ठीक है, स्किन के जो पोर्स है उसे टाइटन करता है, उसे हाइड्रेट रखता है। तो रोज़ वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग से आपको टोनर अलग बाय करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप रोज़ वाटर को इंक्लूड करते हो अपने स्किन केयर रूटीन। नज़र में एक ऐसा प्रोडक्ट आया है जो जिनके प्रोडक्ट्स मैं ऑलरेडी हेयर के लिए यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे बहुत ही पसंद आए, तो मैंने सोचा कि चलो ना क्यों ना ये ट्राई किया। सो गाइस, एवी मी हर्बल का रोज़ वाटर, जैसा कि आप लोग देख रहे हो गुलाबो प्योर रोज़ वाटर लिखा हुआ है, और इनके प्रोडक्ट सच में नेचुरल होते हैं, एकदम ऑर्गेनिक होते हैं। तो आप इसके पैकेजिंग देख सक रहे हो, यहाँ पे आपको उनका सारे डिटेल्स दिए होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको प्राइस दिया गया होगा, इसका प्राइस ऑलमोस्ट है 395 रुपीज़। ठीक है, और ये 110 ml का बॉटल है, आपको इस टाइप की पैकेजिंग मिलेगी। यहाँ पे आप इसे ओपन करके, ठीक है, और इसे आप स्प्रे कर, यहाँ पे इन्होंने नाम दिया है गुलाबो रोज़ वाटर। ठीक है, प्योर रोज़ वाटर, क्योंकि इनके इंग्रेडिएंट्स अगर मैं लिस्ट देखूँ तो वहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ रोज़ का ही जिक्र हुआ है, मतलब रोज़ का रोज़ रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही यूज़ किए गए हैं, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स में लिस्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा अलग से कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ किया है, सिर्फ रोज़ को मेन फोकस रखा है। यहाँ पे हाउ टू यूज़ भी आप लोगों को मेंशन किया है। ठीक है, और अगर मेरी बात कहूँ तो मैं मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में और नाइट स्किन केयर रूटीन में मैं रोज़ वाटर को ऐड करती हूँ एज अ टोन। इसकी फ्रेगनेंस की बात करूँ तो बहुत ही कम फ्रेगनेंस है, मतलब ज़्यादा हैवी और हाई फ्रेगनेंस नहीं है, जिससे आपका सिर दर्द हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही सुंदर गुलाब की स्मेल आती है। ठीक है, और इस बहुत ही मतलब कोई भी कलर यूज़ नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं, स्किन पे बहुत ही इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है, जो कि मैंने ये नोटिस किया है कि जैसे ही आप स्प्रे करते हो विद इन 1 मिनट आपका स्किन पूरा ड्राई हो जाएगा, मतलब इतने अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है। तो गाइज, ये रोज़ वाटर सारे स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। ठीक है, अगर आपका कोई सेंसिटिव स्किन है या इरिटेट करता है कोई भी न्यू प्रोडक्ट, तो आप यहाँ पे पैच टेस्ट ले सकते हो। ठीक है, फिर बाद में आप स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। मेरे लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ है, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है, ये रिव्यू मैं 3 वीक्स के बाद दे रही हूँ, क्योंकि मैंने ये 3 वीक्स पहले ऑर्डर किया था तब आ गया था, मैंने यूज़ करने के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। और मैंने देखा है कि मेरी स्किन है ना, जब मैं सुबह उठती हूँ, ठीक है, तब मैं देखती हूँ कि एक अलग से ग्लो आता है, वो मैंने नोटिस किया है। इसमें आग बंद करके ये कह सकती हूँ कि ये रोज़ वाटर बेस्ट है। ठीक है, ये हैंडमेड रोज़ वाटर, गाइस आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। ठीक है, आपके स्किन में क्या इफेक्ट आता है वो चीज़ भी आप मेंशन करना कमेंट में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। और दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको
किया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोबारा मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, फिलहाल के लिए बाय बाय।